ओके स्टूडेंट्स, पार्ट वन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रोम्बस। रोम्बस इज आल्सो ए फोर साइडेड फिगर जिसमें चार साइड्स होते हैं, से पी क्यू आर एस। मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है जिसमें रोम्बस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके सब सारे के सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये आपस में सब बराबर होंगे। इसके अलावा अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। दिस पी क्यू विल बी पैरेलल टू आर एस एंड क्यू आर पैरेलल होगा पी एस के। इसके अलावा इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो इसके डायगोनल्स है, यहां पे मैंने डायगोनल्स ड्रा किए हुए हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, यानी कि ये डायगोनल्स को दो इक्वल पार्ट्स में एक तो डिवाइड करते हैं, इसके अलावा 90 डिग्री पे उसको बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री होंगे, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। इसके अलावा जो ये एंगल है, ये डायगोनल इन दोनों एंगल्स को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये डायगोनल जो है इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। इसके अलावा इसके सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। इसके अलावा हम मूव करते हैं अब पैरेललोग्राम की तरफ। पैरेललोग्राम इज आल्सो ए फोर साइडेड फिगर, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। से यहां मैंने ए बी सी डी ड्रॉ किया हुआ है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खासियत यह है कि एक तो इसका अपोजिट साइड्स जो है इसके पैरेलल होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स बराबर भी होते हैं, यानी कि ए बी डी सी के बराबर होगा और पैरेलल भी होगा। ए डी बी सी के एक तो पैरेलल होगा और आपस में बराबर भी होंगे। इसकी एक और खासियत है कि जो इसके कंसेक्यूटिव एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमेशा 180 डिग्री होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके जो डायगोनल्स है, दे ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। 90 डिग्री पे नहीं करते हैं मगर आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज द क्वालिटीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम मूव करते हैं इसके अगले टाइप के, जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम में एक सिंपल फिगर है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें सिर्फ एक पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। यहां पे ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों की लेंथ भी आपस में बराबर हो। सो ट्रेपेजियम को हम ट्रेपेजॉइड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, जो कि टू सम हो बराबर है रोम्बस के जैसा ही है, मगर इसमें क्या खासियत है, इसके जो एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स है, यानी कि से अगर ए बी सी डी मैंने यहाँ पर रोम्बस ड्रॉ किया है, ए डी और डी सी ये एडजेसेंट साइड्स जो होंगे आपस में बराबर होंगे, ये ए बी और बी सी आपस में बराबर होंगे। इसमें वन डायगोनल बाइसेक्ट, यानी कि अगर एक डायगोनल, ये जो डायगोनल है यही आपस में बाइसेक्ट होगा, दूसरा डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कि दो में से सिर्फ एक ही बाइसेक्ट होगा, दोनों बाइसेक्ट नहीं होंगे। बट हाँ, इसमें भी जैसे रोम्बस में दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलर्स होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, सिमिलरली इसमें भी दोनों ही डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल, ये और ये साइड जो एंगल फॉर्म करते हैं, और ये और ये साइड, यानी कि दोनों साइड्स अनइक्वल है, ये साइड और ये साइड अनइक्वल है, ये साइड अनइक्वल है, तो ये जो एंगल्स सबटेंड करते हैं वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी क्वाड्रिलेटरल की। और क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, तो
मैं होप करता हूं कि आपको यह समझ आया होगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल करिए, मैं आपको फर्दर इसके बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।